प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो मनुष्य है वह यह सोचता है कि उसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता, वो अपने आप को इतना नीचे गिरा सकता है देता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। देखो, कुछ व्यक्ति होते हैं किसी काम को कर देते हैं, कुछ व्यक्ति हैं उसको सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। अब मैं आपको कहूं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, एक व्यक्ति है ऐसे बैठ जाता है, उसकी जुबान ही नहीं निकलती, तो जो बनाने वाला है, जो परमात्मा है, उसने उस व्यक्ति में ही वही जुबान दी थी जो उस व्यक्ति के पास है जो यह सोच रहा है कि मैं तो बोल ही नहीं सकता। अब दोष उस व्यक्ति का है, ना कि परमात्मा का। इसलिए ये सोचो, जब भी आप ये सोचते हो, पहली मिस्टेक आप ये करते हो कि हाँ यार, परमात्मा ने उसको ये शक्ति दे दी है। अपनी यह जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग, इस चीज को हमने हटाना है, इस चीज को हमने बिल्कुल खत्म कर देना है। नहीं, वो तेज भाग सकता है, मैं तो भाग ही नहीं सकता, वो अच्छा लेक्चर दे सकता है, मैं तो दे ही नहीं सकता, वो अच्छा गीत गा सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। पहला काम इसको हटा देना है। अगर आपने अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना है, आप चाहते हो कि मुझ में आत्मविश्वास हो, हाँ मैं कर सकता हूं, दुनिया की कोई भी शक्ति है वो आप में भी है। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग इतना ज्यादा है वो एक सेकंड में सोचता है, वो चीज आप में भी है। यह रियलाइज करना होगा, आपको यह सोचना होगा। क्यों सोचना होगा? देखो, ये हाथ है, बनाने वाले ने अगर किसी का हाथ इतना मजबूत बनाया है कि वो 100 kg, 200 kg, 300 kg भी उठा सकता है, तो मैं भी उठा सकता हूं। यह विश्वास रखना है। देखो, जैसी उंगल उनकी है, देखो वैसे ही बनाई हुई है, ऐसी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसमें है वो मुझमें नहीं है। पहली बात कि नेगेटिव थिंकिंग, जहां जहां आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर हावी होगी, वहां वहां आप पीछे हटते जाओगे। आपने अपने ऊपर नेगेटिव थिंकिंग को हैवी नहीं होने देना। हमेशा ये सोचना है कि हाँ, अगर उसके पास ये है तो मेरे पास भी यही है। सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से हम वो लेवल से नीचे चले जाते हैं, वो जो लेवल है उससे नीचे चले जाते हैं। परमात्मा को हम दोष देने लग जाते हैं कि या परमात्मा ने उसका ज्यादा दिमाग बनाया हुआ, उसको ही एक लक दिया हुआ, उसकी किस्मत ही ऐसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में किसी की किस्मत बहुत अच्छी या बहुत कम नहीं होती है, सबके पास बराबर की ही किस्मत है। किस्मत हम बनाते हैं अपनी मेहनत से। तो यह जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। कभी यह मत सोचो कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। देने वाले ने बहुत कुछ आपको दिया है, सिर्फ उसको आपने घसाना है, घसाते जाना है। जब जब आप चुंबक से लोहे को घसाओगे तो उसमें वो क्वालिटी आती जाएगी। रोज यही सोचो, हाँ सब कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। अब मैं आपको कह रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं, आपको इतनी बहुत ही प्यार से बता रहा हूं, तो मैं अपनी जुबान को घसा रहा हूं कि हाँ ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसी शक्तियों को आपने घसाना है, शक्तियों को दबाना नहीं है, शक्तियों को उजागर करना है, तभी आप में यह कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मुझ में शक्ति है, मैं अच्छा बोल सकता हूं। एक बात यही है। नंबर दो पे ये एक पॉइंट है, नंबर दो पे आज का काम कल पे नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। टुडे वर्क वी हैव टू डन टुडे। कई लोगों को यह होता है कि आज का काम कल पे भेज देते हैं, नहीं मैं कल तैयारी करके आऊंगा, नहीं मैं कल अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा, कि मैं अच्छा प्रैक्टिस करके आऊंगा। वो कल कभी आता नहीं है, कभी आता नहीं है। क्या कमजोरी है जो आज आप नहीं कर सकते? आज आप में वो शक्तियां हैं,
आप पहले पॉइंट के पीछे पड़ गए कि हाँ आज मैं नेगेटिव हूं, मैं कल करूंगा। वो कल कभी नहीं आता। आज आज से स्टार्ट करना। आज जो कर लोगे वो कल नहीं कर सकोगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी भी। आज आप जो अच्छा बोल सकते हो, आज आप अच्छा लिख सकते हो, आज आप वो काम कर सकते हो जो कल नहीं कर सकते। हो सकता है कि कल भूचाल आ जाए, हो सकता है कल भूकंप आ जाए, हो सकता है कल आप इस दुनिया में ना हो। आपके सपने, आपकी आशाएं, आपको उसको पूरा करना है, उसके लिए आज ही काम करना है। आज का काम आज ही करना है, आज ही करना है। यह जो आज मिला है ना हमें, यह खुशकिस्मती है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, आज जो हूं मैं उसी के दम पे ही आगे सफलता को प्राप्त करूंगा। आपके पास इतनी शक्तियां हैं, सिर्फ एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए उन शक्तियों को आपने जगाना है। अगर आपने आज से अभ्यास करना है कि मैं ऊंची आवाज में बोल सकता हूं, तो आपकी आवाज बहुत ही ऊंची हो जाएगी, बहुत ऊंची हो जाएगी, जितना आपने कल्पना भी नहीं किया था। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं, सिर्फ उसको जगाते जाना है। आज वो शब्द कि कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, उसको एक कहते हैं कि डेड बॉक्स जहां रखते हैं, उसमें वो जो आपकी थिंकिंग है कि मैं कल करूंगा, उसको उसमें बंद करके उसको दफन कर दीजिए। और आज आप चेतन शक्ति है, उस परमात्मा ने आपके अंदर अपनी एक हिस्से को डाला है, आपको सभी शक्तियां दी हैं जो काम करना है। हां आज मेरे पास सभी शक्तियां हैं, और आप इसके योग हो। ये दो पॉइंटों से आप में जो है कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाएगा। लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं होना, कभी भी नहीं, नो, कभी भी ये नहीं सोचना उसके पास इतना है मेरे पास कम है, नो, हमेशा सोचना है पॉजिटिव, सोचना है ठीक है मेरे पास बहुत कुछ है, अरे इतना कुछ है, सिर्फ मैं लेजी हूं, आलसी हूं। इस आलस को आज हटाना है, टुडे, आज काम करना है, आज अच्छा लिखना है, आज सभी से प्रेम से बात करनी है, आज अपने काम को उच्चतम लेवल तक लेके जाना है, जहां आप सोचते हो कि हाँ मैं अपने काम को यहां तक पहुंचा दूंगा, वहां तक आपको काम को पहुंचा देना है। आज इसी समय, इसी वक्त, इसी सेकंड से, यह जो सेकंड बीत रहा है, यह भूतकाल है, बीत रहा है, जो भविष्य है उसका कोई अनुमान, कोई एस्टिमेशन नहीं है। आज ही से हमने स्टार्ट करना है, तो इन दो बातों को हमने हमेशा ही फॉलो करना है। तो मुझे उम्मीद है इन दो बातों से आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।